आगे बढ़ेंगे और यूपी की बात करेंगे। वहां के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है और इसमें 4 लोगों की जान गई। ब्लास्ट से पूरे इलाके में दहशत है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। भरवारी इलाके में पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त कौशाम्बी से आपकी स्क्रीन पर, हादसे की जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। 4 लोगों की जान गई है। स्थानीय लोग इकट्ठे थे वहां पर, वो भी आप देख सकते हैं, और पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। देखिए, ये भरवारी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें 4 कैजुअल्टी हुई हैं, कुछ लोग घायल हैं और एक आध उसमें सीरियस भी हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। यहाँ जो ये पटाखा फैक्ट्री है रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर है, आप देख रहे होंगे, अलग है, इसलिए किसी रिहायशी उसका नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ अंदर काम कर रहे थे उन्हीं की कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं और जैसा अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, राहत और बचाव से जुड़ा ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अभी जो यहाँ अधिकारियों ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है इस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है। और यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि इस घटना में जो लोग घायल हैं, जो हताहत हुए हैं, उनकी मदद की जाए, उनको जो बेहतर उपचार की सुविधाएं हो सकती हैं वो दी जाए, और साथ ही साथ जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तत्काल मौके पर जाकर के राहत और बचाव कार्य करें। तो अभी 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और ये शराफत अली की फैक्ट्री थी जो पोखरा। ठीक है संजय, ये जानकारी आपने दी है, हमारे साथ बने रहिए आप। SP कौशाम्बी की बात फिलहाल आपको दिखाते हैं। मौत हुई है सर? देखिए, अभी तक इसमें अंदर 10 से 15 लोगों के होने की बात बता रहे थे और 4 लोगों की डेथ हो गई है, 7 लोग घायल हैं जिन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भिजवाया है, बाकी हमारा रेस्क्यू चल रहा है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहां मौजूद हैं, वो बुझा रही हैं, और अभी जब थोड़ी देर में हम इसे पूरा सर्च करके देख लेते हैं कि अंदर और तो कोई नहीं फंसा हुआ है तो हम आपको अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये चूँकि रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर खेतों में बना हुआ था ये गोदाम, इसलिए वो जो घायल हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है वो इसी के अंदर जो काम करने वाले वही वर्कर थे। तो अभी सारे लोगों के नाम पता मिल जाएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। सर, शराफत अली नाम है यहाँ पे, जैसे बताया जा रहा है यहाँ के जो ऑनर हैं, तो क्या उन्होंने इसके पहले लाइसेंस या कुछ सुरक्षा के कुछ इंतजाम थे, ऐसा कुछ पता चला अभी तक? देखिए, ये उनके पास लाइसेंस था, ये बात सही है, इसकी चेकिंग भी होती रही है और जैसा स्थानीय अधिकारी हमारे बता रहे हैं कि सुरक्षा का काफ़ी अच्छा मानक ये रखते थे, लेकिन उसके बावजूद ये किस कारण से हुआ ये देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी ने लाइटर जलाया हो, किसी ने चोरी छिपे बीड़ी सिगरेट पीने की कोशिश करी हो या अन्य कोई। सुरक्षा के जितने मानक थे वो भी, सुरक्षा के इंतजाम भी थे वहां पर, फिर भी धमाका हुआ, ये पुलिस कप्तान का कहना है। ABP News आपको रखे आगे।